हेलो गाइस, मैं खुशी लू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दिवाली की सफाई के दौरान इस शख्स को मिली है कूड़े के बीच में से कुछ ऐसी चीज कि रातों रात उसने उसको लखपति बना दिया है। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या चीज हो सकती है किसी के घर में जो लखपति बना दे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी दिवाली की सफाइयां करने में बहुत ज्यादा बिजी हैं तो जरूर बताइए। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की न्यूज। सबसे पहले आप लोगों को इन एडवांस हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली शुरू हो चुकी है और उसकी सफाइयां शुरू हो चुकी है और हर एक घर में अभी जोरों शोरों से सफाई का काम शुरू हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना सामान रख के भूल जाते हैं और दिवाली के सामान में जब वो सफाई करते हैं तब उनको पुराने पुराने चीजें मिलती है, पुरानी पुरानी जो यादें होती है वो ताजा होती है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है जो कि दिवाली की सफाई के दौरान एक शख्स को कुछ ऐसी चीज मिल गई अपने घर में कि वो रातों रात लखपति बन गया है। हिमाचल से हमारे सामने ये मामला आया है, मंडी से सुंदरनगर, और वो इस शख्स का नाम है रमेश। रमेश ही, जैसे कि आप लोग दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं, रमेश भी अपने घर पे दिवाली की सफाइयां कर रहा था और हर जगह पर सफाई कर रहा था, बाहर कर रहा था, अंदर कर रहा था, हर जगह पर। थोड़े बहुत आप लोगों को पता है कि आंगन में पेड़ पौधे ऐसे आ जाते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो दिवाली की सफाई के दौरान आप काफी ज्यादा अपने आंगन को साफ करते हो। तो रमेश भी अपने आंगन को साफ करने के लिए गया था और वहां पर काफी सारा सामान भी पड़ा था और सामान उठा के वो अलग जगह पे रख रहा था, उसकी साफ सफाई कर रहा था। तब उसने अचानक से देखा कि वहां पर अजीब सा एक ट्री लगा हुआ है, नॉट ट्री, एक प्लांट लगा हुआ है। जब उसने उसको खोद के देखा तब एकदम करके देखा, निकाल के देखा, तब वहां पर और भी कम से कम 100-200 और भी वैसे ही प्लांट दिखाई दिए। और ये माना जाता है कि ये जो प्लांट है इसका नाम है गुच्छी। गुच्छी एक ऐसे इस तरीके का प्लांट है, अगर आप उसको देखोगे तो वैसे तो आपको मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा लगता है, अगर आपने कुछ मशरूम वगैरह भी खाई होगी तो मशरूम के जैसा भी दिखता है, पर ये इंडिया में पाया नहीं जाता, ये पहाड़ी इलाकों में उगता है और अपने आप उगता है, इसकी खेती नहीं की जाती, हमारे इंडिया में इसकी खेती नहीं होती। बाहर की जो फॉरेन कंट्री है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, इन सब जगहों पर इसकी खेती होती है, पर इसका जो रेट है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। और बोला जाता है कि हमारे पीएम मोदी जी भी इस चीज को खाते हैं और ये एक तरीके का फंगस है और इसको खाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप ऑनलाइन इसको खरीदेंगे गुच्छी को, ये कम से कम एक किलो के हिसाब से आपको 40,000 से 35,000 रुपए का मिलेगा। और अगर बाहर फॉरेन कंट्रियों की बात करें तो वहां की अगर हम लोग मात्रा में हम देखें कि वहां पर एक किलो के हिसाब से कितने का मिलता है तो वहां का रेट है 3 लाख रुपए। और यहां पर ये चीज उग चुकी है और उसके घर पे मिल चुकी है और अभी बोला जा रहा है कि वो अगर और भी सामान उठाएगा तो वहां पर इसकी खेती और भी शायद है और भी इसको उस प्लांट के बारे में पता लग सकता है और उसके घर पे ये प्लांट्स रह सकते हैं। तो गाइस, क्या आपके भी घर में कुछ ऐसी चीजें इसे दिवाली पे मिली है जिसने आपकी यादों को ताजा कर दिया है और आपको कहीं ना कहीं से और भी ज्यादा खुश कर दिया है और आपको बता दिया कि आप इस चीज से और भी पैसे कमा सकते हो? कभी कुछ हुआ आपके साथ या इस दिवाली या पिछली दिवाली से या उससे भी पिछली दिवाली से कभी हुआ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।